बिहार की राजनीति के केंद्र में अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव, क्योंकि 2024 के चुनाव प्रचार में एनडीए लालू के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज को मुद्दा जरूर बना रही है ताकि पक्ष में वोट पड़े। वैसे कहा जाता है कि बिहार में सियासत की नब्ज लालू अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए महागठबंधन के तमाम कूदफान के बावजूद लालू ने किया वही जो उनके मन ने कहा। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ तक कि नीतीश को मान मनोबल भी करने नहीं गए। अब नीतीश ने पाला क्यों बदला ये लगभग पूरा बिहार जानता है, मगर क्या बिहार जात पात से उठकर वोट करेगा? क्या मोदी के चेहरे पर बटन दबाएगा? क्या नीतीश के काम को दिलो दिमाग में रखकर मतदान केंद्र जाएगा, या बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक रोजगार को मुद्दा बनाएगा? इसी सवाल के जवाब की तलाश में एबीपी न्यूज का सफर पहुंचा नवादा, जहां वोटर इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कैंडिडेट ही नया आ जाता है। स्पेशल इलेक्शन शो ट्रिपल आर के साथ संवाददाता स्नेहलता शुक्ला रिक्शे से नवादा का जायजा लेने गई तो वोटर्स ने क्या मूड बनाया वो खुलकर सामने आया। मुद्दे भी सामने आए, चेहरे भी सामने आए। तो आइए आप सभी दर्शक भी इस चुनावी सफर का हिस्सा बनिए। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला और हम हैं इस वक्त बिहार के नवादा, और नवादा में हर पार्टी आके वादा कर रही है कि हम भला कर देंगे बिहार की जनता का, हम भला कर देंगे नवादा की जनता का, लेकिन नवादा की जनता किसके गुलाबी वादों पे भरोसा जताएगी और किसे जिताएगी ये पता लगाना स्नेहलता अब शुरू कर चुकी है। अब रिक्शे से ये सफर, क्योंकि शो का नाम है ट्रिपल आर, रोडवेज, रेलवे, रिक्शा, ई रिक्शा ही चलती है, यही से चले पड़ी। और ये लोकेशन है नवादा में, कहा जगह लगे भैया? फतेहपुर, यूपी वाला फतेहपुर नहीं है, ये नवादा का फतेहपुर है। फतेहपुर केकर फतेह होई भैया, परी के जीती है? और कौन भैया? तो आप समझ गए ना, नवादा का आगाज ये हो गया है कि आगे बीजेपी, पीछे लालू यादव यानी आरजेडी। कुल मिलाकर के यहाँ चुनाव दिलचस्प हो जाएगा, मुद्दा क्या रहेगा पता लगाते। दूरी बाजा बोलते हैं, और नमकीन है ये, बेसन से बन रहा है। और सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी का है, बीजेपी। आरजेडी समर्थक है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो आ रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी सही लग रहे हैं? देखिए सही तो लग रहे हैं। और योगी मोदी आपको नहीं सही लग रहा है? योगी मोदी थोड़ी ना होता है। आप लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएगी सरकार। बीजेपी, भाई भैया जो ऐसे बैंड लगाए घूम रहे हैं, मोदी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। भैया आपके साथ में कितने, आप कौन से वाले हैं भैया? लालू यादव। लालटेन वाले हैं? आरजेडी आएगा। लालू यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिहार का मुख्यमंत्री? अरे तो लेकिन प्रधानमंत्री वाला चुनाव है जी, बीजेपी आएगा। हाई लो, इनसे मिलो, अभी तक कह रहे थे विधानसभा चुनाव है तो लालू आएगा। और लालू तो ये करेगा भैया, कह रहे लालू यादव आएंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी ही कैसी बात हुई? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो बने राहुल गांधी बने चाहे जो बने, लेकिन हम लोग वोट लालटेन को देंगे। लालटेन को देंगे भैया, कहाँ लिखे हो आत्मा नवादा? कहाँ है तुम्हारी अंतरात्मा? कौन है पार्टी के साथ तुम्हारी आत्मा है? मोदी का है। मोदी का है? अच्छा, यहाँ मोदी का है? नहीं, कैसे सब मोदी का है? मिला ना लालटेन वाला भैया, पूरा लोकतंतर है। गमछा वाले भैया आरजेडी आएंगे निश्चित, पूरा थोड़ा सा। अब प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी, अच्छा भैया कितने लोगों को लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? रसीद काटने के लिए दे दिया 2000 रुपया, भी रसीद नहीं कटा, मोटेशन नहीं खेत हुआ इनका राज सरकार है। 2000 रुपया राशन कार्ड बनाने के लिए जो मोदी जी के राज में अभी राशन कार्ड नहीं मेरा बना है, डब्लू के पैसा दिया है, अकबरपुर में ब्लॉक के सामने है, 2000 दिया राशन कार्ड लिया, अभी राशन कार्ड ने बना 1 साल से। अच्छा, 6 महीना से खेत लिए, एक कठा मोटेशन नहीं हुआ, 2000 मुंशी दे दिए हैं परेमन मुंशी के। नाराजगी है जी, एकदम नाराजगी है। जैसे ये बिहार में ये जाति पाति देख के वोट होता है? हमें चाहिए नवादा में, नवादा का बेटा ही नवादा के सांसद बने, कोई बाहरी नहीं।
जो भी बाहरी बनते हैं कभी नवादा देखने, नवादा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं देखते हैं। और कुछ भी आता है, यूनिवर्सिटी आता है हमारे लिए, कुछ भी चीनी मिल वगैरह कुछ भी जो भी। तो बीजेपी के कैंडिडेट बाहरी हैं? हाँ बाहरी है, इसीलिए लोकल चाहिए सरवन कुशवाहा को इस बार हम लोग देख रहे हैं, आरजेडी वाले। आरजेडी वाले तो भाई यहाँ पे नवादा में ए चाचा भाई लड़का लोग कहा था कि लालटेन जीती। अच्छा अपना अपना इच्छा है, आपका क्या इच्छा है? हम बीजेपी के, बीजेपी के हैं। चाचा आप बीजेपी, आप आरजेडी? हाँ आरजेडी। आगे बढ़ो भाई, क्या है इस बार युवा की सोच, कहाँ जाएंगे बिहारी जनता? आई डोंट नो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन जो करना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे कि ये वो बच्चे, उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स कुछ होना चाहिए जो भटकते रोड पे, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ। तो इन लोगों के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कि फ्री में लाइक पानी या फिर खाना, जैसे कि मंदिरों में कुछ करवा दे से ये लोग खा सके। भैया तुहार का हिसाब किताब बा? मोदी जी का, मोदी जी वाला हिसाब बा? हाँ। और उधर तो लालटेन वाले हमें मोदी जी के यार भैया, लालटेन वाला नहीं है, हम लोग बीजेपी वाला है। बीजेपी मोदी जी, मोदी जी बीजेपी है। तो भैया यहाँ खेप खेप के हैं लोग, तुम्हारे क्या चाचा? बीजेपी का। लालटेन नहीं, लालटेन बुता जाएगा, लालटेन बुता जाएगा। आप लोग कहाँ जाएंगे? मोदी जी आते हैं, मोदी जी को। आप किसको? मोदी को जाएंगे। आप किसको? मोदी जी को। कहे लालटेन नहीं, कमल, लालटेन कमल खिलेगा, कमल चाह, कमल चाह। प्यार की बाहर है। बीजेपी जिंदाबाद, फतेहपुर में जिंदाबाद। कहे आरजेडी और गठबंधन कांग्रेस? जो फैसिलिटी बीजेपी दिया है वो फैसिलिटी आरजेडी कभी नहीं देगा, नहीं दिया है। क्यों भैया? इसलिए नहीं दिया है, जो पहले दंगा फसाद होता था अभी सारा चीज बंद हो गया। जितनी फ्रीडम बेटी बहू अभी के डेट में घूम रही है, 8 बजे रात के 9 बजे रात के भी फ्रीडम से जाते हैं। पहले दीदी डर नहीं लगता है अब? नहीं डर कहे लगेगा, कानून व्यवस्था कैसी है? है बिहार में नवादा का कैंडिडेट ना होके पटना चलेगा? चलेगा। मतलब बाहरी से फर्क नहीं पड़ेगा? नवादा जिला और अकबरपुर लोकेशन और आस पड़ोस के गांव वाले लोग भी जुटे हुए हैं। बुलडोजर बाबा बिहारम चाहिए का? बिहारम बुलडोजर बाबा चाहिए है? क्या बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा तो यूपी में है, बिहार में तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है तो लेकिन चाहिए उन्हीं को शासन यहाँ भी होना चाहिए, बुलडोजर बाबा को। अच्छा ये बताइए, तब वो बाहरी नहीं हुए? बाहरी लोग रहने से क्या होंगे? यहाँ का कैंडिडेट हम सुने हैं कि बाहरी है, इस बात की नाराजगी है? नहीं वो बात नहीं है, विवेक कुमार भी बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन कहाँ के हैं? पटना के हैं। आप कहाँ के हैं? जगह क्या है? नवादा है। तो नवादा वाले पटना वालों को जिताएंगे और सीएम बगल से बनाएंगे, सब बाहरी चाहिए काजी? सब बहुत बढ़िया बात है, बाहरी बाहरी रहेंगे तो आओ ठीक न रहेगा का चाचा? तो खा लेंगे, उन्हें नहीं जिताएंगे। ऊपर में मोदी जी को देखा जा रहा है, नीचे में किसी को नहीं देखा जा रहा है। अरे भैया लेकिन कैंडिडेट बाहरी रही तो तू के सांसद महोदय खोजे? ये बाहरी अखिल जी, भारत से बाहर अखिल है। अरे बिहार एक ने अखिल जी, बिहार में योजना पहुंच रहे हैं तो हर घर में जान रहे हैं। यह बतिया बका तब कुछ, यह बतिया है तो आप कोई बात है? ए भैया सीएम मोदी में है एकदम, बिहार के 40 से 400 सीट मिलते है। नवादा देख लो ना, 4 लाख वोट से जीत। मोदी के परिवार, मोदी सरकार जिंदाबाद, श्री राम। जुटना ही है, हम लोग उन्हीं का परिवार जुटेगा क्यों नहीं? अरे योगी के परिवार के? हाँ हम लोग योगी परिवार है। अच्छा बाबा अपन काम ठीक करा था मैं। मोदी सरकार। विजय भैया पटना से आएंगे, नवादा खोजने जाएंगे पटना? नहीं यही क्या है, नवादा में ही रहेंगे।
नवादा में ही रहेंगे विवेक भैया। भैया फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुमत के साथ जीतेंगे इस बार विवेक ठाकुर जी। क्या बात कर रहे हैं, प्रखंड में भाजपा का अधिक वोट पड़ेगा, अधिक पड़ेगा, अधिक पड़ेगा, दोनों पंचायत आ रहे हैं, चाला चारा घोटाला बंद करने के लिए आ रहे हैं, समझे। अच्छा, हम लोग मोदी के भक्त हैं। एक क्विंटल दाना खा गया है लालू के राज में। कितना खाई है? एक मुर्गी एक क्विंटल दाना खाया है। कौन सी मुर्गी थी? मुर्गी बहुत बड़ा हो गया, बकरी हो गई। सब गरीब गुरबा को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं। कह रहे गाँव में 5 किलो अनाज खाए, लेबर नहीं मिला तो क्यों अपने जगह से हिलत नहीं बा? नहीं, हम लोग को वही देखेंगे मोदी जी। मुफ्त का अनाज चाहिए, नौकरी नौकरी चाहिए। कहाँ से मिली? कहाँ से मिले? मोदी जी के द्वारा मिलेगा। मोदी जी का परिवार है, मोदी और योगी से किसी का तुलना नहीं कीजिए। ये एक शक्ति पुंज है, देश का भविष्य है दोनों, आज उसी के चलते विश्व में। आओ देखो वाह भैया, कौन है योगी, कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो आपको क्या मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो वोट देंगे हम लोग मोदी के। तो योगी है तो है, ये तो योगी है। योगी रहने से क्या होगा, हमारा समर्थक है तो। अच्छे लगते हैं आपको योगी? बहुत अच्छा, हम लोग का खाना पीना पानी सब दवाई दारू दे रहे हैं मोदी। वो तो मोदी दे रहे हैं ना। हाँ, ये भी तो उन्हीं का जमात है, उन्हीं का जमात है। नेक्स्ट पीएम बनेंगे योगी जी। योगी बाबा से तू के का मतलब, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो बाबा? उत्तर प्रदेश का बीजेपी का है ना भाई, बीजेपी का है, बीजेपी का मोदी जी भी है, उनका समर्थन है, हम लोग भी उनका समर्थक है। अच्छा, समर्थन का समर्थन है। हाँ, समर्थक पसंद है आप लोगों को? पसंद है। तो ये है मेरी बिहार की जनता, नवादा में आकर के लोगों से बात करके मजा तो बहुत आया। समझ भी आ रहा है कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट या फिर बीजेपी का सिंबल या फिर लालटेन वालों का अपना प्यार पार्टी के लिए, ये सब कुछ 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल स्नेहलता अब यहाँ से अपना काफिला आगे बढ़ाएंगी, बिना ई रिक्शा चलाए यहाँ की जनता हमें कैसे आगे बढ़ा रही थी भैया, कैसे चली? कैमरे के पीछे सीके सिंह के साथ मैं स्नेहलता, मिलेंगे फिर नए किसी सफर पर।